8 रुपये मैंने जमा नहीं किया और उसके बदले में मेरा जो सिबिल है वो इतना ज़्यादा गिर गया कि क्या मैं ही बोलूँ। तो इसलिए लोन लेने से पहले लोगों को सोचना चाहिए। सोचिए, यहाँ पे मैं 8,000 या 8 लाख या 8 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली वन 8 रुपये का बात कर रहा हूँ कि मैंने 8 रुपये जमा नहीं किया और जिसके कारण मेरा सिबिल इतना डाउन चले गया। और आई थिंक कि अगर मुझे ये चीज़ पता रहता कि मैंने 8 रुपये का लोन लिया तो मैं जमा करता और ये चीज़ मुझे पता भी नहीं था। तो ये कैसे और क्यों हुआ, इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि कहीं अगर ये चीज़ आपके भी साथ हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी लोन लेके भूल जाते हैं कि मैंने लोन लिया है और उसे पता नहीं चलता, और वो एक छोटा छोटा लोन फ्यूचर में कितना बड़ा बड़ा कारनामा करने वाले हैं आप भी नहीं सोच सकते हैं। वो आपका पूरा सिविल डाउन कर देगा, जिससे कि आप कुछ भी नहीं ले सकते, ना बैंक से लोन ले सकते हैं, ना कुछ सामान परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या क्या हुआ मेरे साथ वो समझते हैं। तो देखिए, मैंने पेटीएम पे, अब देखते होंगे जब भी आप पेटीएम पे कुछ भी करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है ना लोन का, कि आप चेक कीजिए कि आपके नाम पे इतने लोन मिल सकते हैं। तो मैं वहां पे चेकआउट कर रहा था, तो चेकआउट करने के दौरान वहां पे मुझे 2,000 का लोन मिल गया। तो मैंने देखा कि मेरा 2,000 का लोन मिल रहा है, लेकिन हम उसे यूज नहीं करना चाहते थे क्योंकि मुझे पता था ये सब चीज़ के बारे में कैसा ऐसा होता है। बट मैंने क्या किया था कि किसी दिन ऐसे ही हम किसी का रिचार्ज कर रहे थे तो मेरे अकाउंट में पैसा था। तो जब मैं रिचार्ज कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला कि रिचार्ज वहाँ से हो रहा, तो जब मैं रिचार्ज किया तो डायरेक्ट वो जो मेरे 2,000 रुपये हमको मिले थे बस वहीं से वो कट गया। अब कट गया तो मैंने देख लिया कि वो कट गया, तो अब वहाँ से 199 रुपये कट गया, वहाँ पर दिखा रहा 199 रुपये। अब वो 199 रुपये हम तभी ही जमा कर दिए क्योंकि मुझे पता था ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लोचा होता, और मैं उसे जमा कर दिया। तो जमा करने के दौरान हुआ क्या कि अब तो मुझे लगा कि कंप्लीट हो गया, लेकिन 6 से 8 महीना के बाद मुझे पता चलता है, जब मैंने अपना सिविल जांच किया तो वहाँ पे मेरा सिविल जो 750+ रहता था वो 650 आ गया। अब तो मेरा दिमाग घूम गया, अब ये कैसे हो गया। तब मैंने SBI जो ऑनलाइन सिविल चेक किया जाता है, मैंने वहाँ पे जाके चेक किया तो मुझे वहाँ पे पता चला कि मेरा 8 रुपये ना ड्यूज बच गया है, ड्यूज 8 रुपये। अब बताइए, जो मुझे 2,000 रुपये मिला था, 199 रुपये मैंने खर्च किए थे, वो 199 रुपये मैंने पेड कर दिया, अब उसका ब्याज बढ़ गया 8 रुपये। तभी नहीं बढ़ा, अगर तभी बढ़ता तो हम दे देते, बाद में बढ़ा और मुझे पता ही नहीं चला। वो तो बाद में मैंने जब सिविल चेक किया तब पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, तब मुझे वहाँ पे ड्यूज दिखाया कि ऐसे ऐसे बात है, आपने यहाँ से लोन लिया और आपका 8 रुपये का ड्यूज है। तो अब बताइए, क्या लोगों को लोन लेना चाहिए इन चीज़ों से। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग बच के रहिए इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा ये लोग घातक काम करते हैं। हम ना चाहते हुए भी ये हम लोगों को लोन दे देते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड देते हैं, उसी पे हमें चेकआउट करके दे देते हैं कि आपको इतना रकम मिलने वाले हैं, और अच्छा खासा इस पे जानते हैं कि इंटरेस्ट ले लिया जाता है। बताइए, 200 रुपये मैंने तुरंत ही पेड किया, उसके बाद मुझे 8 महीने के बाद पता चलता है कि मेरे ऊपर 8 रुपये का ड्यू है। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये पता नहीं चलता कि उनका सिविल क्या होता है। देखिए, सिविल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन लेते हैं किस्त पे, या फिर आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे सिविल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और वहाँ पे अगर आपका सिविल डाउन है तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, और बहुत सारे लोगों का जब सिविल डाउन रहता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली मेरा सिविल डाउन कैसे हुआ है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप ये गलती करते हैं, किसी न किसी कंपनी से लोन लेते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा एप्लीकेशन है जो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से लोन ले लेते हैं और सही टाइम पे भी पैसे जमा करते हैं, लेकिन उसका जो ड्यूज बजट है वो जमा नहीं करने के कारण आपका सिविल डाउन कर देता है। तो जब भी आप किसी कंपनी से लोन ले तो पहले एक बार चेकआउट करें। मैं तो बोलता हूँ कि ज़्यादातर केसेस में आप ले ही ना, क्योंकि इस कंपनी का कोई भी भरोसा नहीं था। हाल ही में आपको एक रिपोर्ट मैंने जिसमें वीडियो बताया था कैसे 4 लोगों ने आत्महत्या कर लिया था इसी के कारण। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। अब आपको स्क्रीन पे सब सारा चीज़ दिखता होगा कैसे मेरा 8 रुपये का सिविल, जो 8 रुपये के चक्कर में मेरा सिविल कितना डाउन हो गया। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। तो बस इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आप लोगों को लोन कम लें, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सिविल डाउन रहता है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो आप लोग जरूर एक बार सिविल चेक करें, वहाँ पे आपको पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपने किससे कितना लोन लिया था। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं चल रहा तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इस पर भी एक वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। इससे आपको पता चल जाएगा आपने किन किन कंपनी से लोन लिया था, आपके पास कितना ड्यूज बचा हुआ, और कितने लोगों को दिया, और कितना पेमेंट करा, ये सारा चीज़ आपको दिखा देता है, और आपका सिविल कितना इंक्रीज है वो सारा चीज़ दिखा देगा। तो ये चीज़ आप देखना चाहते हो तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये चीज़ आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि अगर आप भी किसी से लोन वोन लेते, देखिए अभी के डेट में तो हम बोलते हैं कि ऑनलाइन से जितना ज़्यादा दूर है उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल हम किसी कंपनी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आजकल सब वैसा ही कंपनी निकल चुका है कि मतलब आपका डेटा जो भी आपके मोबाइल के अंदर रहता है उन सभी को वो ले लेते, क्योंकि वो जो भी परमिशन देना ही होगा। आजकल बोलते हैं कि जब भी आप लोन ले तो परमिशन ना दें, देखिए अगर परमिशन देंगे नहीं तो लोन मिलेगा ही नहीं, तो परमिशन देना कंपलसरी है। बट अगर हम लोन ही नहीं लेंगे तो क्यों दें परमिशन, तो इसलिए। और अगर आप जिनसे लोन ले लेते हैं और वो ख़त्म हो जाता है तो उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए, आप लोग अपने मोबाइल के अंदर ही रख लेते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात होता है, इन चीज़ों से बचिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।